संभल के चंदौसी रामबाग धाम पर इस समय रामलीला का आयोजन चल रहा है। रामलीला में भीड़ इकट्ठी करने के लिए मेला कमेटी के लोगों ने रामलीला ग्राउंड में मौत का खेल शुरू करवा दिया, जहां एक 25 साल का नवयुवक तारों से बंधी 50 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर अपने ऊपर पटाखे बांधकर और ऊपर से पेट्रोल छिड़ककर अपने आप को आग के हवाले करता है, मानो जैसे कोई दशहरा पर रावण दहन हो रहा हो। जब पूरी तरह से सारे पटाखे युवक शानू के शरीर पर जल जाते हैं तो वह एक कुएं में छलांग लगाता है, जिसमें भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई जाती है और यह सब महज 2000 रुपए के लिए होता है। जब शानू इस मौत के स्टंट को करने जाता है तो भगवान से अपने परिवार के पास जिंदा वापस आने की पूजा करता दिखाई देता है। इस स्टंट को हजारों की भीड़ एक मनोरंजन के रूप में देखती है, मगर मेला कमेटी वाले इस युवक की जान का सौदा महज 2000 रुपए में करके मौत का ये खेल दिखाते हैं। मगर युवक शानू बेरोजगारी के चलते ये स्टंट कर लोगों के मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है, जिसे रोज हजारों दर्शक देखने आते हैं। हैरत की बात तो यह है कि 50 फीट की ऊंचाई पर जाकर स्टंटमैन शानू को खुद उसके पिता पटाखों से बांधते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर मौत के कुएं में धकेल देते हैं। रामबाग मोहल्ले में प्रतिवर्ष इसी प्रकार से मौत के कुएं में छलांग लगाई जाती है। इस मौत के खेल को देखने के लिए काफी तादाद में भीड़ जुटती है। तेज निगाहें के लिए चेल्सी रघुवंशी के साथ जनपद संभल से गजराम सिंह यादव की रिपोर्ट।